पीलीभीत में आदमखोर बाघ ने अब तक 8 लोगों को मौत के घाट उतारा है और 2 दिन पहले ही गांव रामपुरा में एक बीएससी के छात्र को भी बाघ ने मार दिया था। अब भी बाघ गांव में ही मौजूद है, जिसके बाद से वन विभाग की टीम कई पिंजरों, कई शूटरों व हाथियों के साथ बाघ को ढूंढ रही है। लेकिन टाइगर को देखते ही वन विभाग कमजोर हो जाता है, जबकि बाघ ने फिर से एक नील गाय व कुत्ते पर भी हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। कैमरे में साफ साफ नजर आ रहा है कि बाघ गांव में टहल रहा है। वन विभाग की टीम भी निशाना लगाती है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। वन विभाग का कहना है कि 3 टीमें बाघ को पकड़ने के लिए लगाई गई है और ऐसे ही बाघ को पकड़ने की तलाश जारी रखेंगे। अब देखना होगा कि कब तक वन विभाग आदमखोर बाघ को पकड़ पाएगा। टाइगर रिजर्व है, इसलिए खेती नहीं कर पा रहे हम। जो लगातार वो कर रहे, सुबह गन्ना खोदने आए, वो गन्ना भी नहीं खोदा, डर के मारे। यहाँ आसपास में कोई वो है नहीं, क्या करें। काश्तकारी अपनी नहीं कर पा रहे, ये गन्ना पिंजरा लगा दिया, नुकसान हमारा हो गया। ये नुकसान कौन देगा? सरकार तो नुकसान नहीं दे रही, वन विभाग वाले जो हैं वो अपना वो कर रहे हैं। रोज आते हैं, रोज फॉर्मेलिटी अपनी पूरी करके चले जाते हैं, क्या करें हम इसके बारे में। हमें कोई नुकसान भी नहीं मिल रहा है। कल एक घटना हुई थी रामपुरा गांव में, ये ब्रह्मसूर लड़के नाम को मार दिया टाइगर ने। उसके बाद हमने काफ़ी प्रयास किया है, यहाँ कई पिंजरे लगा दिए गए हैं, कैमरा टेप लगाया, कैमरा टेप का फोटोज आ गया है। आज हमने पूरा प्रयास किया, पूरा गन्ना सर्च किया, कई बार टाइगर सामने आया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो टकराया जा नहीं पाया। फिर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अभी 3 टेप लगी उसको टाइगर को ट्रैक कर रही हैं। इसके अलावा हमारे डॉक्टर साहब लोग यहाँ पे हैं और 2 हाथी हैं, 2 हाथी हमारे आज पहुँच जाएंगे रात तक। कल से हम 4 हाथी लगाएंगे और टीम बढ़ाई जाएगी। कब तक संभावना है इसे पता है? देखिए, पूरा प्रयास किया जाएगा, संभावना तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे जल्दी टकराई।